ओएसआई मॉडल। ओएसआई मॉडल एक रेफरेंस मॉडल है। इसका पूरा नाम ओपन सिस्टम इंटरकनेक्टेड है। इसका जो इन्वेंशन है वो 1977 में ISO इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ने किया था, जिसका यूज़ अलग अलग डिवाइसेस के बीच में कम्युनिकेशन करने के लिए होता है। इसमें 7 लेयर होती हैं जो निम्न प्रकार की हैं। पहली लेयर फिजिकल लेयर के नाम से है, दूसरी लेयर डाटा लिंक लेयर, तीसरी लेयर नेटवर्क लेयर, चौथी लेयर ट्रांसपोर्ट लेयर, पांचवी लेयर सेक्शन लेयर, छठी लेयर प्रेजेंटेशन लेयर और सातवीं लेयर एप्लीकेशन लेयर। ये नीचे से ऊपर की क्रम में जाती हैं। अगर हम कहें तो पहली वाली लेयर है हमारी फिजिकल लेयर और लास्ट वाली लेयर है एप्लीकेशन लेयर। अब हम इनके बारे में डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं कि डिटेल क्या है। प्रेजेंटेशन जो सबसे पहली लेयर है हमारी वो फिजिकल लेयर है। इस लेयर का काम दो नोड के बीच में डाटा को बिट मतलब कि पैकेट्स में ट्रांसमिट करने के लिए दिया जाता है। मतलब कि आपके जो डाटा है वो ट्रांसमिशन होगी, एक एक उसमें ट्रांसमिट करी जाएगी। सेकेंड लेयर है आपकी डाटा लिंक लेयर। इस लेयर का काम एरर फ्री कम्युनिकेशन देना है, मतलब कि जो सी आपके एरर आ रहे हैं उनको बिल्कुल हटाकर उसको कम्युनिकेट करवाने के लिए दिया जाता है। तीसरी लेयर है हमारी नेटवर्क लेयर। इस लेयर का काम राउटर्स मतलब रूट जो सबसे स्टार्टिंग होती है उससे करा जाएगा आपका, तो ये काम जो सा है राउटिंग के लिए करा जाता है। चौथी लेयर है हमारी ट्रांसपोर्ट लेयर। इस लेयर में पैकेट में डिवाइड करा जाता है, मतलब छोटे छोटे पैकेट्स बना दिए जाते हैं और डाटा को ट्रांसमिट करने के लिए दिया जाता है। ये आपकी जो सी चार लेयर्स के बारे में डिटेल हमने करी। चौथी लेयर के बाद आती है आपकी पांचवी लेयर। ये सबसे इंपॉर्टेंट लेयर है क्योंकि ये हमारे सेक्शन को, कई बार आपने देखा भी होगा कि एक लेयर आपने स्टार्ट करी, मतलब आपने कोई नेट पे कर वर्किंग कर रहे थे, वेबसाइट चलाई और वेबसाइट बंद हो जाती है कुछ टाइम बाद, तो वो एंड टू एंड ट्रांजेक्शन देती है। इस लेयर का काम एंड टू एंड कम्युनिकेशन देना है। छठी लेयर है आपकी प्रेजेंटेशन लेयर। इस लेयर का काम इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन, मतलब कि आपकी इंक्रिप्टेड करना और डिक्रिप्टेड करना। ये जैसे आपने कोई भी वर्ड लिखा, उस वर्ड में आपने वो कुछ एरर्स वो बना देते हैं और उसके बाद फिर दोबारा से उसको डिक्रिप्ट करके दूसरे जने को रिसीवर को दिया जाता है। तो ये है आपके इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन। इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन आपकी दो प्रकार की होती हैं। इंक्रिप्शन आपने जब आप क्रिप्टेड ग्राफिक करते हैं वो दो प्रकार की हैं, एक प्राइवेट की से एक सिमेट्रिक लेके चलता है और एक होती है असिमेट्रिक, मतलब कि आपकी पब्लिकली वे से जो प्राइवेट पब्लिकली दी जाती है। एक प्राइवेट होती है, एक होती है आपकी पब्लिकली। एक सातवीं लेयर होती है, उसका नाम है एप्लीकेशन लेयर। इस लेयर का काम फाइल को ट्रांसफर करने के लिए दिया जाता है, मतलब कि आपकी एक लेयर से दूसरे को ट्रांसफर करना है तो हम इस लेयर का इस्तेमाल करते हैं और यूजर के साथ इसको कम्युनिकेट करने के लिए दिया जाता है। आज की जो सी कम्युनिकेशन हैं वो इसी लेयर 7 लेयर से होकर ही गुजरती हैं। इसको हम कहते हैं ओएसआई मॉडल। डेट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट मॉडल ऑफ दिस नेटवर्किंग।